Now, let's start with another video of class 8th, Square and Square Roots of NCERT, exercise 6.1, question number 2. The following numbers are obviously not perfect square. Give reason. ये कह रहे हैं कि ये जो number हमें दिए हुए हैं, जो इन्होंने हमें question में numbers दिए हुए हैं, वो obviously not perfect square हैं. मतलब क्या है कि वो perfect square नहीं है. इन्होंने पक्का पता है कि हमें वो perfectly square नहीं है. अब इन्होंने हमसे उसके लिए reason पूछा है कि वो क्यों नहीं है perfect square. कि वो perfect square क्यों नहीं है. हमें ये reason बताना है इसमें. तो इस पूरे question में हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो यूज़ हुई हुई है. तो स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, वो ये थी, अ नंबर एंडिंग इन 2378 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. जो नंबर एंड हो रहा है 2378 में, मींस उसकी यूनिट प्लेस पर या तो 2 आ रहा होगा, या 3 आ रहा होगा, या 7 आ रहा होगा, या 8 आ रहा होगा. अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है उसकी यूनिट प्लेस पर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर नंबर एंड हो रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरो से, मींस कोई नंबर है उसके एंड में या तो एक जीरो आ रही होगी, ओनली वन जीरो, या थ्री जीरोज आ रही होंगी, या फाइव जीरोज आ रही होंगी, मींस ऑड नंबर में आ रही होंगी जीरोज, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, 1057. तो हमें दिख रहा है कि 1057 है, तो इसमें एंड में जीरो तो आ नहीं रहा, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी तो इसमें लगेगी नहीं. इसमें एंड में आ रहा है हमारा सेवन, और हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि 2, 3, 7 और 8 जिस भी नंबर के एंड में आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, क्योंकि हमें इन्होंने रीज़न मांगा है क्वेश्चन में, हमसे रीज़न मांगा गया है, तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे. सिंस द गिवन नंबर 1057, क्या कह रहे हैं, सिंस द गिविन नंबर 1057 एंड्स विद, किससे एंड कर रहा है, किससे एंड कर रहा है, सेवन से, किससे एंड कर रहा है, सेवन से, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हुई इसमें, सिंस द गिवन नंबर 1057 एंड्स विद 7, क्योंकि 7 से एंड कर रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 23453, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 3, तो यही प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें भी, सिंस द गिवन नंबर 23453 एंड्स विद 3, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. आगे समझ में, नेक्स्ट पार्ट भी सेम प्रॉपर्टी का ही है, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, सिंस द गिवन नंबर 7928 एंड्स विद 8, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. क्यों, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 7, 3, 8. इसलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है इन्होंने 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 टाइम्स 2 है. तो इसमें क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या है, 2, फिर वही प्रॉपर्टी आ जाएगी, सिंस द गिवन नंबर, क्या नंबर है हमारा, 2, 2, 2, 2, 2 एंड 2 एंड्स विद 2, 2 से एंड हो रहा है, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट, अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे ना तो 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 8 आ रहा. तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हैं हमारे 0, लेकिन कितनी जीरोज हैं, 1, 2, 3. तो क्या हो जाएगी इसकी, इसमें
लगेगी हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी, सिंस द गिवन नंबर 64000 एंड्स इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं इसमें, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस वजह से ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, 1 2 3 थ्री जीरोस हैं, और थ्री क्या होता है, थ्री हमारा ऑड नंबर होता है, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज 2, 8 9 7 2 2, इसमें यूनिट प्लेस पर आ रहा है 2, तो सिंस द गिवन नंबर 8 9 7 2 2 एंड्स विद 2, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट इज 2 2 0 0 मीन्स 0, हाउ मेनी जीरोज आर देर, देर आर 3 जीरोज, तो क्या आ जाएगा, सिंस द गिवन नंबर 2 2 0 0 एंड्स इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्री जीरोज हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका लास्ट पॉइंट है 5 0 5 0 एंड 5 0। अब यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और हाउ मैनी जीरोज आर देयर, ओनली 1 0, और 1 क्या होता है हमारा ऑड नंबर, तो सिंस द गिवन नंबर 5 0 5 0 5 0 एंड्स इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स इट, बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। आपकी दो प्रॉपर्टी लग रही थी कि जिस भी नंबर में अगर एंड में 2 3 7 या 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और सेकंड प्रॉपर्टी लग रही थी कि अगर आपके ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रही हैं उसके एंड में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1।